बहुत उमदा ज़ियारत है इमामज़ादा इस्माइल। इनके कुछ शजरा लिखा हुआ है, इलाका भी आपको घुमाएंगे। इमामज़ादा इस्माइल जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इमाम मूसा काज़िम के फ़र्जंद हैं, ये इनकी ज़ियारत को हम आए हैं। खूबसूरत इलाका, खेतों में खलियानों में ये हमारी गाड़ी। दूर दराज पहाड़ी इलाके में हैं हम। इसका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये कुचान से पहले है। बिजली का निज़ाम देखें, इस जंगल में भी गांव में भी मौजूद है। और आपको पता है जैसे ईरानी टाइम गुजारते हैं, चाहे गांव हो शहर हो, इनमें आदत है अरबियों की तरह कि ये भी मगरिब के बाद जो है ज़्यादातर टाइम बाहर गुजारते हैं, सर्दियों में धूप सेकने के लिए और गर्मियों में रातें गुजारने के लिए। बहुत खूबसूरत इस वक्त ये मंज़र है। टाइम मिला तो आगे जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिल वक्त हम अपनी ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। देखें सिटिंग एरिया रखे हुए, बेंचेस लगे हुए और चबूतरा टाइप बनाया है। यहाँ पे भी कारपेट लगाकर या बिछाकर बैठते हैं, टाइम लगाते हैं। बहुत दूर कल जो आपको सामने वो नज़र आ रहे हैं, कल हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे फ्रीजी के इलाके में, आज हम इधर आए दोबारा। कुचान से पहले ये इलाका है।
अस्सलाम वालेकुम याली मदद। इस वक्त मैं जड़तोते जगह जहाँ पे ये इमामजादे का मज़ार है तुर्बत है यहाँ पर हूँ, और ये रादान की तरफ आप मुड़ते हैं तो उसको क्रॉस करके उस विलेज को आप जो है वो जोड़ दो देह जो इलाका है जहाँ पे ये इमामजादे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इससे आगे जो है वो कूचान है और इस हम पीछे जो है वो चनारान जो है वो छोड़कर आए। चनारान से तकरीबन 8-10 किलोमीटर जहाँ ख़त्म होता है उससे आगे कूचान जाते हुए रास्ते में ये जो है वो इलाका आता है रादान, और रादान से जो होते हुए आप जो है वो जोड़तो दे इलाके में पहुँचते हैं। ये इमामजादे इमाम रज़ा अलैहि सलाम के भाई हैं और इमाम मूसा काजिम की औलाद यानी कि बेटों में से हैं। ज़ियारत बंद है, बाहर से ज़ियारत हो सकती है, हम ज़ियारत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। क्लियर जो लिखा हुआ है अज़नवादगान इमाम मूसा काजिम इमामजादा इस्माइल, ये उनके बेटे हैं, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो हैं वो भाई हैं। मुख्तसर सी इनकी तारीख लिखी हुई है जो यहाँ पे ये डिस्कवर हुए 1398 में, और इनकी तुर्बत बनाई गई। यहाँ की जो महसूसात हैं उसके हिसाब से ज़ियारत करते हैं। ये है इमामजादा इस्माइल, इमाम मूसा काजिम की आल में से हैं, बहुत जलील कदर गुज़रे हैं, बहुत अजमत वाले और बहुत बुज़ुर्गी वाले गुज़रे हैं, और इन्होंने भी यहाँ इस इलाके में सकूनत इख्तियार की और उसके साथ साथ यहाँ इल्म की बातें लोगों में आम करने लगे। यहाँ करीब में इनका एक चश्मा भी है इस साइड पर, इस साइड पर इनका एक चश्मा है, उस चश्मे का पानी जो है वो इस पहाड़ के पास से आ रहा है, और यहाँ पर जो है इनकी इबादत गाह भी है सामने पहाड़ में, और जो अब कहते हैं कि बस ज़ाहरी तौर पर जो है वो मददम हो गई है, उस पर मिट्टी आ गई है और पहाड़ जो है वो खिसक गया है। यहीं उसी तुर्बत के यानी कि जो वहाँ जहाँ रहते थे हुजरा था वहाँ के करीब से ही जो है ये चश्मा जारी है, जो यहाँ कई किलोमीटर यानी कि रोड से तकरीबन हम 30-35 किलोमीटर हाईवे से अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से चश्मा जो है वो पूरे इलाके को सैराब कर रहा है। जितनी भी हरियाली आपको यहाँ नज़र आ रही है आप सामने देखें डुल वीडियो में, ये जितने भी खेत हैं और दूर दूर तक जितना भी जा रहा है ये इसी पानी से ही जो है वो सैराब हो रहे हैं। अभी हम जाएंगे नीचे और इस पानी को भी चखेंगे यानी कि पियेंगे, और इसका टेस्ट भी बताऊंगा और उसके साथ साथ और भी मालूमात देते हैं। इमाम वाकई बहुत सखी दिल थे, और यहाँ पे भी इनको जो है शहीद किया गया, और ये अपने दौर में बहुत इल्म के हिसाब से किरदार के हिसाब से इनको जो है वो हदीसों का इल्म था, और उसके साथ साथ अबू रखते थे और कुरान की तफसीर पर, और लोगों को जो है इन्होंने अपने अमल से जो है वो कुरान की तफसीर समझाई, और जो इनके अमल थे कॉल ऑफ फेल था और इनके किरदार थे इनकी बातें थी वो इतनी जो थी वो मुशाबा रखती थी हजूर से, और लोग जो है वो जो जानते थे वो ज़रूर इनकी तरफ खींचे चले आते थे। और शाह इस्माइल
मतलब इमामजादा इस्माइल। बहुत खूबसूरत तुरबत, इनके पानी के चश्मे की तरफ चलते हैं और बहुत कदीमी सिलसिला है इनका, और ये भी उस दौर में इस तरफ इन्होंने रुख किया जब बहुत सी मुसीबतों और हसूसन अहले बैत को निशाना बनाया जाता था, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर मुकीम हुए और अपने आप को जो है यहाँ पर एक नए आइडेंटिटी और एक नए तरीके से उस ज़माने में इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में लोगों की खिदमत में लगे रहे। अभी मेरे सामने ये वो चश्मा है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, ये इमामजादा इस्माइल के जो हुजरा था, जिसको आम जबान में आप चिल्लागा कहते हैं या आप रिहाइशगा कह लें, या जहाँ इन्होंने सकूनत पहाड़ में सामने की हुई थी, ये वही चश्मा है जिसका मैंने ज़िक्र किया। और अभी हमें पता लगा है कि कुछ आसार बाकी हैं उनके हुजरे के, और ये पानी जो है बिल्कुल उनके हुजरे के पास से जो है फूट रहा है एक चश्मे की शक्ल में, और ये पूरे जैसे मैंने आपको बताया गांव के गांव जो है वो सैराब करता जा रहा है। बहुत मीठा पानी है और बहुत ही टेस्टी है, हमारे दोस्तों ने भी बताया, अभी मैं ख़ुद भी चखूंगा। बिल्कुल मेरे सामने जो मैंने ऊपर से आपको बताया ये जो पहाड़ है, इसके बिल्कुल पीछे की साइड पे जो है इनका ऊपर या पीछे की साइड पे जो है वो कहा जा रहा है कि हुजरा है, और हुजरे के से ही ये पानी जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, और जब इनका शहीद कर दिया गया तो वहाँ से जो है वो इस जगह पे लाके इनको जो है मदफ़ूम किया गया। और क्योंकि ये पहाड़ी पर है और वो भी एक दूसरी पहाड़ी है, तो मैंने आपको बहुत सी अपनी पुरानी वीडियो में भी और फरीजी वाली वीडियो में भी बताया कि अहले बैत किस तरह जो है या बुज़ुर्गान दीन जो है वो किस तरह अपनी चिल्लागाह या अपने हुजरे को सेफ करते हैं, और अपनी ज़ाहिरियत जो है वो मदफूम कहीं और होते हैं, फिर वो वक्त आता है तो ज़ाहिर हो जाते हैं। ये वही यहाँ पे भी अमल हुआ है, और इस पानी को अभी हम चखते हैं, पीता हूँ मैं और भरता भी हूँ ताकि आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो। अल्लाह करे मेरे पास पानी हो। बहुत लजीज पानी है, और बाकी बहुत मीठा पानी है, बहुत ठंडा है इस वक्त, और उसके साथ साथ मीठा लजीज और बिल्कुल ऐसे जैसे मिनरल वाटर होता है। और किसी न किसी अभी हमने जितनी ज्यारतें की है ये पानी वैसा ही है जैसे आप समझ लें कि आप जमजम का है, वैसे ही टेस्ट है। और उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ अमराज में, और जुमला आपकी रूह के लिए जितना आप इसको पिए, ये फसलें यहाँ से होती हैं, जो फसल उगती है उसमें भी इस चीज़ की तासीर होती है, और इसीलिए रानी जो है वो ज़्यादा सेहतमंद और जो है वो सुकून वाली कौम है, और जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो नहीं करते। ये पानी बहुत ख़ास पानी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इन जहाँ से ये पानी निकल रहा है उस चश्मे को भी देखेंगे और उनकी जो है वो ज़ियारतगाह को भी देखेंगे, यानी कि हुजरे को। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम, या अली मदद।